नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को सूचना प्राप्त हुई कि श्री संजीत कुमार प्रखंड विकास पद अधिकारी सीतामढ़ी द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से काफी अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की है। सत्यापन के क्रम में श्री कुमार द्वारा आय के ज्ञात वैध स्रोत से अधिक परिसंपत्ति अर्जित किए हैं। इनकी पत्नी गृहिणी है। वेतन के अतिरिक्त इनकी आय का अन्य कोई ज्ञात स्रोत नहीं पाया गया है। सरकारी सेवा में नियुक्ति के पूर्व इनके नाम पर पैतृक संपत्ति के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं थी। बता दी कि चल संपत्ति के रूप में एक ऑल्टो कार 2011 मॉडल इनके द्वारा घोषित किया गया था। श्री कुमार द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से काफी अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की गई है। जी हां, आपको बता दें कि अपने पद स्थापन के दौरान रहीका प्रखंड मधुबनी एवं गढ़पुरा प्रखंड बेगूसराय में पद स्थापित रहे हैं। इनके द्वारा सेवा अवधि में पत्नी आरती कुमारी के नाम पर एक बैरिया थाना गोपालपुर जिला पटना में 3 कट्ठा आवासीय भूखंड जिस पर एक भव्य 3 मंजिला मकान बना हुआ है। पत्नी आरती कुमारी के नाम से मौजा भी थाना धनरुआ जिला पटना में 2 कट्ठा का इन सब का मानित मूल्य 1,11,32,000 रुपए पाया गया है। इनका बाजार मूल्य कई गुना अधिक है। प्राथमिकी में इनके भव्य 3 मंजिला मकान का निर्माण लागत 75 लाख रुपया अंकित किया गया है, जबकि उसकी वास्तविक लागत के आसपास बताई जाती है। बता दें कि श्री कुमार जीवन बीमा निगम के विभिन्न पॉलिसियों में काफी राशि का निवेश किया हुआ पाया गया है। श्री संजीत कुमार का 3 बैंक खाता एवं इनकी पत्नी आरती कुमारी के नाम से 1 बैंक खाता से धारित पाया गया है। इनकी कुल चल संपत्ति करीब 15,43,368 रुपए की पाई गई है। प्राथमिकी अनुसार श्री कुमार द्वारा रुपए की चल एवं अचल परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बता दें कि वेतन एवं अन्य ज्ञात स्रोतों से इनकी कुल आय रुपए होना पाया गया है। श्री कुमार का कुल अनुमानित व्यय 38,80,847 रुपए पाया गया है। इनके द्वारा आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों के लगभग रुपए मूल्य की अधिक परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जो वास्तविक आय से अधिक है। बता दें कि तलाशी के क्रम में काफी साक्ष्य से इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। माननीय निगरानी न्यायालय से तलाशी अधिक पत्र प्राप्त कर पुलिस उप अधीक्षकों एवं नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो तलाश जारी है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।